साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। सब दिव्य को नमस्कार। मैं मूर्ति है लोकसभा 2024 इलेक्शन का, बीजेपी का मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर है, और साथ में को कन्वीनर मिस्टर प्रकाश अधिकारी है, वो इलेक्शन एजेंट मिस्टर अनिल तिवारी है। आज तक का बुलाने का कारण क्या, कल हम शाम को टाइम में एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट हुआ है, आप लोग भी देखा होगा है, एक यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसका नाम हम बोलना नहीं मांगता है। देखिए यूट्यूब चैनल वाला का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कुछ आरोप लगाया है। चैनल आरोप कैसा लगा सकता है, कोई पार्टी वाला कुछ करेगा अलग बात है, हम लोग भी राजनीति कर सकता है इसमें। देखिए मीडिया डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर बोलता है, वो अच्छा रहना है। अगर आप लोग का वन साइडेड एक किसी पार्टी का दल का बात नहीं करने से अच्छा है। इसमें पहले सवाल पूछा था NH रोड का बारे में कुछ बोलता था, NH रोड का फोटो भी बताया, वो फोटो सब वगैरह एक दो साल का पहले लिया वाला फोटो। अभी स्थिति तो थोड़ा ठीक है। मेरा स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागे जी, विशाल जाली जी और विष्णु पदरा जी हमेशा दिल्ली जाने से पक्का उन लोग एक ट्रिप NHDCL का ऑफिस भी जा रहा है और मंत्री जी के कार्यालय में जाके बात करता है, भैया उसको जल्दी से जल्दी शुरू करिए करके। आप लोग मत न सोचना है बीजेपी पार्टी इसके बारे पीछे सोचता नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं करता करके। हम लोग हर एक मीटिंग में दिल्ली में होने से पहले काम यही काम करके तो दूसरा काम में हम लोग जा रहा है। इसलिए मैडम जी आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और एक बात है, वो काली रिपोर्ट करता था कल NH4 के बारे में, वो व्यूअर्स का भी मालूम है अंडमान में लास्ट 10 ईयर्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसा हुआ करके। आप लोग भी मालूम है कांग्रेस हम लोग आज़ाद होने के बाद में 75 साल कांग्रेस का राज चलाया, इसमें 60 ईयर्स का ऊपर में कांग्रेस का राज है, खाली हम लोग का 12-13 साल तो बीजेपी गवर्नमेंट राज चलाया था। हम मोर द व्यूअर्स का भी एक रिक्वेस्ट करता है, एक वाइट पेपर निकालिए, इसमें कांग्रेस 60 ईयर्स में क्या अचीवमेंट करके एक तरफ में लिखिए, एक तरफ में बीजेपी क्या अचीवमेंट किया करके एक लिखिए। हम मंगता आपको बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, आप लोग भी मालूम है हम तो झूठ नहीं बोल रहा है, सच्चा है, ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड में है सब कुछ। देखिए हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके आया, इधर लॉ कॉलेज लेके आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल लेके आया और कदम तला में बड़ा ब्रिज बनाया। हम जिंदगी सोचा भी नहीं इतना ब्रिज में एक दिन जाएगा करेंगे। गैरा चर्मा हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन चल रहा है, स्मार्ट सिटी में मेरीना वॉक में भी चल रहा है, वॉक में भी चल रहा है, वो फ्लैग पॉइंट में भी अच्छा बढ़िया बन के रखा है। ये तो फ्लैग पॉइंट का भी बारे में हम लोग बाद में भी बात करेगा। वो अभी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी चल रहा है, इसमें मेन है OFC है, OFC केबल आप लोग सब मालूम है, एक कांग्रेस गवर्नमेंट में मोबाइल फ़ोन लेके आया मानता है। वही टाइम में क्या होता है, एक एक घर में जाने से कभी घर में बाथरूम में सिग्नल मिलेगा, किसी के घर में टॉयलेट में सिग्नल मिलेगा, किसी का घर में किचन में मिलेगा, किसी के घर में बेडरूम में मिलेगा। अभी आज का हालत कैसा है, आप कहीं भी बात कर सकता है, कार में भी जाने से भी बात कर सकता है, रोड में जाने से भी बात कर, इतना सिग्नल वगैरह ठीक किया कि कौन किया है, मोदी जी वादा किया है, मोदी जी करके भी बताया। पहले हालत तो मालूम है, सबको मालूम है, हम कुछ फ़ोन रखे अलो अलो बोलना, आधा वर्ड बात कर रहे कट हो जाता, फिर बाथरूम में जाकर बात करना नहीं, उसे किचन में जाकर बात करना है। ये सब मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की वजह से ये सब हुआ है। ये सब रिपोर्टर मैडम आप थोड़ा लोगों को भी बताना है, कुछ भी बोला नहीं बीजेपी सरकार, कुछ नहीं करके नहीं बोलना। और उसके बाद आप बोल रहे हैं विष्णु बजराज जी 5 साल से कहीं नहीं देखा करके बोल रहे हैं,
ये भी गलत है। अगर आप लोगों को मंगता है, आप सोशल मीडिया में तो चेक करिए, हर एक एजुकेशन में विष्णु पराय तो पहले सामने खड़ा होता है, ये तो पीपल्स लीडर है। ऐसी लीडर्स का बाकी बड़ा बड़ा आपको लीडर्स का सेल नहीं है वो। और कभी भी स्कूटर में बुलाना से भी स्कूटर में चला जाएगा, पैदल में जाना पैदल में भी चला जाना, वही यही टाइप के आदमी है। आपको अभी आपको याद एक बताना मांगता है, 2014-2019 का पीरियड में विष्णु जी एमपी था, वही टाइम में मोदी सरकार है, अंडमान में क्या हुआ, एंक्रोचमेंट का कुछ तोड़ा है, वही टाइम बारिश का है, वही टाइम मोदी जी रहने से भी, रूलिंग पार्टी रहने से भी पार्लियामेंट में पूरा हल्ला गुल्ला किया, सबका मालूम है। मेरे पास में हमको टाइम जाने से विष्णु जी का पास वो क्लिपिंग भी है, हम देखा भी वो क्लिपिंग, वो पार्लियामेंट में चिल्लाया क्या हो रहा है। एक कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बारिश का टाइम में, नेशनल कलामिटी टाइम में एंक्रोचमेंट का डिस्टर्ब नहीं करना, एक कोर्ट का ऑर्डर भी है। उसके बावजूद भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या, वो पार्लियामेंट में चिल्लाया, वही प्रधानमंत्री मोदी जी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, गलत तो बोले। फिर आंदोलन एडमिनिस्ट्रेशन का फिर पूछा है, उसके बाद फिर रुका है, वो ऐसी आदमी है। आपको सोचने नमूना मत सोचिए, मेरे हिसाब से वो बात किया था अपोजिशन एमपी का नमूना बात करता था, रूलिंग पार्टी एमपी का नमूना गलत हो रहा है, तो आवाज तो दे रहा है तो पीपल लीडर है, मक्कल तमिल में बोलने से मक्कल तलेवर बोलता है उसका। देखिए उसके बाद में एक बोल रहा है, एक वोटिंग भी नहीं दे रहा है करके, हमें एक बात बोलता है वोटिंग वगैरह क्या करने का, वोटिंग का मतलब है एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट में नहीं बिकता है उसका वोटिंग डाल रहा है। आपको भी मालूम है सभी चैनल वाला में न्यूज़ बताने के पहले में तो वोटिंग कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, उसका सेल नहीं हो रहा है, इसका मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट नहीं है, इसका वजह से तो वोटिंग डाल रहा है, एडवर्टाइजमेंट डाल रहा है। मेरा विष्णुपद राय जी का वोटिंग डालने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग भी मालूम है कब डालना कब कैसा डालना करके मालूम है, कब मालना कैसा डालना मालूम है। उसके बाद में एक बोल रहा है विष्णु पदराय जी सब अकेले घूम रहा है, उसका साथ में कोई नहीं है करके। हम लोग भी एक माल में, हम तमिल में एक रजनीकांत का एक सुपर डायलॉग है, सिंगम तनिया का दाम पोन सुनवांगा, सिंगम बोलने से हम हिंदी में बोलता है शहर है, शहर हमेशा अकेले तो जाएगा, साथ में जाने का जरूरत नहीं है, ऐसी है मेरा सिंगम है विष्णु पदराय जी। उसका सभी पब्लिक का घर मालूम है, घर का परिवार का बात सब मालूम है, उसका क्यों स्प्रे के जाना, वो भी जाएगा। अभी हम लोग का बाकी नेता लोग हर एक काम में लगा हुआ है, नामिनेशन फाइल होने के बाद आप फील्ड में देखिए ना, हम लोग क्या करता नहीं करता करके मालूम है। आप अभी शुरू से हम लोगों पर आरोप लग रहा है, ये सब अच्छा नहीं है मैडम, प्लीज़ इसको एक बार बीजेपी का जीत पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मीडिया बंधु लोग हम बोलता हूँ, मोदी जी के बारे में बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात करने से एक दिन बात कर सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है, पूरा अचीवमेंट है, हम लोग पास रजिस्टर है, सब कुछ है, विद डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही वो मोदी ये कर दिया वो कर दिया कर नहीं, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में, डिटेल्स के साथ, डाटा के साथ में हम लोग सब कुछ है। इसलिए आप ऐसी मत पूछना है बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, विष्णु बदरा कुछ नहीं किया करके, वो दोबारा ये नहीं बोलना। आपका बिगेंड द स्क्रीन कौन है करके बताइए मैडम, और कुछ नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार पूरे देशवासियों को मेरी ओर से, और बहुत बहुत आप सभी का आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला उम्मीदवार यहाँ पे मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पे डिक्लेयर किया है विष्णुपद राय जी का नाम। आज पूरे द्वीपों में खुशी का माहौल, एक उत्सव का माहौल बन गया है, क्योंकि पिछले 5 साल हम सभी इस द्वीपों से अंधेरा में चला गया था। आज द्वीप का डेवलपमेंट सारी चीज़ कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुका था। आज सच माने में आज जो रिपोर्टर के माध्यम से हो और किसी के भी माध्यम से जो बात आ रही है, तो यूट्यूब में हम देख पा रहे हैं कि विष्णु जी के साथ कोई नहीं है, विष्णु जी अकेला जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज विष्णु जी के फिंगर टिप ने पूरे द्वीपों का गांव और पूरे द्वीपों का व्यक्ति का नाम उनके मन में, दिमाग में, सारे जगह पे है, और फिंगर टिप में उनको सब जगह का पता है और उनका परिचय है। ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है लोगों के मन में रहता है, वो सिंपल सादा व्यक्ति है। आज हमारे द्वीपों का ऐसा मानना है, आज हम जीत, जब उनका टिकट निकला उसी दिन हम जीत को मानते हुए पूरे द्वीप में एक खुशी का माहौल फैल गया है। ये गलत फहमी
मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह का अफवाह ना उड़ाए तो अच्छी है। हम पूरे द्वीपवासी, पूरे द्वीप की पार्टी, प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व जी के साथ है और पूरे विश्वास है हम सभी आपके जनता के माध्यम से। मैं ये हिम्मत से, साहस से बोल सकता हूँ कि जो लोगों के बीच में हम देख पा रहे हैं खुशी का माहौल, इस बार जीत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे इलेक्शन एजेंट भी, थोड़ा कम समय में हमको मौका मिला आपके माध्यम से बोलने का, मुझे मौका मिला और भी समय मिलेगा चुनाव के बीच में, हम फिर आएंगे आपके सामने और इस विषय में बात करने के। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से एक आग्रह करना चाहूँगा, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं तो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन के ही रहिए। कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान, जितना मान मीडिया कर्मियों को देता है शायद दूसरा पार्टी कोई देता भी नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद आप देखिए कितने कार्यकर्ता, कितने हमारे नेता विष्णु जी के साथ रहते हैं। अभी तो एक नाम उनका डिक्लेयर हुआ है, नाम डिक्लेयर होने के साथ क्या है, उनको घर घर से फ़ोन आ रहा है, घर घर से फ़ोन आने के बाद में उनको बुलाया जा रहा है, उनके घर पर लोग बधाई देने आ रहे हैं। आप ये देखिए एक भारतीय जनता पार्टी का नाम घोषणा होने के तुरंत बाद, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, एक नाम की घोषणा हुई है, चुनाव घोषणा हो जाएगी। हम सब आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप खुद सारे मीडिया बंधु फील्ड में रहेंगे, आप क्षेत्र में रहेंगे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना पॉजिटिव तरीका से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ उतरती है। रही बात ये, विष्णुपद राय जी कोई नए नहीं है, 3 बार सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर हैं। तो मेरा फिर अनुरोध है, हम मीडिया का सहयोग चाहते हैं अपने इस चुनाव में, मीडिया सत्य को सत्य दिखाए, झूठ को सत्य, झूठ को झूठ दिखाए, इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।